हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पे हैं और यहाँ कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिया है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है यहाँ 2x माइनस 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। हम लोग लिखेंगे a1 इक्वल टू में x का कोफिशियंट, b1 y का कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट जो है ये हो जाएगा ये आपका c1 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले इक्वेशन में a2 b2 c2, इसी तरह से a2 इक्वल टू में 2, b2 इक्वल टू में माइनस का 3, c2 इक्वल टू में माइनस का 12। अब यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या करेंगे x y में क्या हो जाएगा bc, है ना जी, b1 c1, b2 c2, y y में ca यानी कि c1 a1, C2 A2, 1 y में AB यानी A1 B1, A2 B2। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं। x y में 2 1 माइनस का 3 माइनस का 12, y में यहाँ पे C1 A1 और C2 A2 का वैल्यू रखना है, 1 1 माइनस का 12 2, A1 B1 A2 B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 2 माइनस 3। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो x y में माइनस का 24 और माइनस का माइनस 3, y में 2 माइनस माइनस का 12 और 1 y में माइनस 3 माइनस का 4। ठीक है, तो x y माइनस का 24 और प्लस का 3 हो जाएगा, y बाई 2 प्लस में 12 और 1 बाई माइनस का 7। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए x बाई माइनस का 21, y बाई 14 और यहाँ 1 बाई माइनस 7। अलग अलग कर देते हैं, x बाई माइनस का 21 इक्वल टू 1 बाई माइनस 7, अच्छा, और y बाई 14 इक्वल टू 1 बाई माइनस 7, यानी कि यहाँ से आप इस माइनस माइनस को हटा सकते हैं, x इक्वल टू में हो जाएगा 1/7 इंटू में 21, 3 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ से ये जाएगा उधर, तो y इक्वल टू में माइनस 1/7 इंटू में 14, यहाँ 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 और y का वैल्यू यहाँ माइनस का 2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में देखो क्या दिया है, 3x प्लस 2y प्लस का 25 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा 2, c1 हो जाएगा 25, a2 हो जाएगा यहाँ पे 2, b2 हो जाएगा 1 और c2 हो जाएगा आपका 10। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ y और यहाँ पर आपका 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसी तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होगा आपका BC यानी B1 C1, B2 C2, CA यानी C1 A1, C2 A2, AB यानी A1 B1 और A2 B2। चलिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे तो देखिए x y में 2 25 1 10, y में 25 3 10 2, ये ना रख देंगे C1 A1 A2 C2 A2 को। चलिए अब इसके बाद 1 y में 3 2 2 1, चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो x y में 20 माइनस का 25, y y में 50 माइनस का 30, 1 y में 3 माइनस का 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए x y माइनस का 5, y बाई 20 और 1 बाई माइनस 1, x बाई माइनस 5 इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा, ये माइनस 1 सिर्फ लिख सकते हैं, और y बाई 20 इक्वल टू में माइनस का 1, तो x इक्वल टू में 5 आ जाएगा और y इक्वल टू में माइनस का 20। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर में देखिए यहाँ दिया है 2x प्लस y इक्वल टू में 35, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 65। अब की बार कॉन्स्टेंट इक्वल के इस तरफ में RHS में है, तो इसी तरह रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। a1 है 2,
बी वन है आपका 1, सी वन है 35, ए टू है आपका 3, बी टू है आपका 4 और सी टू है आपका 65। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो एक्स वाई और यहाँ माइनस वन लेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट इस तरफ है इस बार। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बी सी यानी बी वन सी वन, बी टू सी टू, सी ए यानी सी वन ए वन, सी टू ए टू, ए बी यानी ए वन बी वन, ए टू बी टू। चलिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को रखते हैं। तो एक्स बाई में यहाँ 1, यहाँ 35, 4, 65। वाई बाई में 35, 2, 65, 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर माइनस 1 बाई में 2, 1, 3, 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए x बाई में यहाँ देखो 65 और माइनस का कितना हो जाएगा ये 140। ठीक है, चलिए y बाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 105 और माइनस का 130। माइनस 1 बाई में 8 माइनस 3। ठीक है, चलिए तो x बाई में कितना हो जाएगा यहाँ पर 75 माइनस का, y बाई में यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 25 और यहाँ माइनस 1 बाई में 5। अलग अलग करते हैं यहाँ से तो हो जाएगा x बाई माइनस का 75 इक्वल टू में माइनस का 1 बाई 5, वाई बाई माइनस का 25 इक्वल टू में माइनस 1 बाई 5, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 1 बाई 5 इंटू में माइनस का 75। 25 टाइम्स में, सॉरी 15 टाइम्स में, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगा और y इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 1 बाई 5 इंटू में माइनस का 25। 5 टाइम्स में यानी y का वैल्यू माइनस प्लस 5 आ जाएगा, x का 15 y का 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस y इक्वल टू 6 और दूसरा है x माइनस y इक्वल टू में 2। ए वन है 2, बी वन है माइनस का 1, सी वन है 6, ए टू है 1, बी टू है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 और सी टू है आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे x y माइनस 1 बी सी सी ए, ठीक है, ए बी, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे इन वैल्यूज को रखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ वैल्यूज ये जो दी हुई इनको रखेंगे तो सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा माइनस 1 6 माइनस 1 2, वाई बाई में 6 2 2 1, माइनस 1 बाई में 2 माइनस 1 1 माइनस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो x बाई में माइनस का 2 माइनस माइनस 6, वाई बाई में 6 माइनस का 4, माइनस 1 बाई में माइनस का 2 माइनस माइनस 1, तो x बाई माइनस 2 प्लस 6, वाई बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा और माइनस 1 बाई माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, x बाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, y बाई 2 इक्वल टू में माइनस 1 बाई माइनस 1, माइनस माइनस कर दिए 1 बच जाएगा ना। चलिए तो यहाँ से x बाई 4 इक्वल टू 1 कर दो और y बाई 2 इक्वल टू 1 कर दो, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू में 6। पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे, x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई में एक्स वाई इक्वल टू 2, यहाँ से इसी तरह से यहाँ हो जाएगा एक्स बाई में एक्स वाई माइनस वाई बाई में एक्स वाई इक्वल टू में 6। यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू में 2 आया और यहाँ पर देखो ये माइनस वाले को पहले लिखते हैं माइनस, या फिर पहले लिखते हो इसी को 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू में 6।
ठीक है। अब इसको सही कर लेते हैं, 1/x + 1/y = 2, और यहाँ से माइनस का 1/x + 1/y = -6। ये 1/x 1/y के फॉर्म है तो इसी तरह से रख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, यहाँ 1/x ही रखेंगे, अच्छा, और यहाँ पर 1/y ही रखेंगे, और यहाँ पर आप रख देंगे माइनस का 1, क्योंकि कॉन्सन इस तरफ में है, ठीक है। उसी तरह से बी सी यानी b1 c1 b2 c2, है ना, अच्छा, सी ए यानी कि c1 a1 c2 a2, ठीक है, ए बी यानी a1 b1 a2 b2, ये कहाँ से लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो, a1 1 1/x का कोफिशियंट, b1 1 1/y का कोफिशियंट, और c2 आपका c1 जो है आपका जो कॉन्स्टेंट है वो हो जाएगा, a2 -1 b2 आपका 1 1/y का कोफिशियंट, और c2 यहाँ पर हो जाएगा 6। चलिए अब इसमें रखते हैं, तो 1/x बाई में यहाँ आ जाएगा 1 2 1 6, ठीक है, 1/y बाई में 2 1 6 -1 -1/1 1 -1 1, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, 1/x बाई में 6 -2, 1/y बाई में -2 -6, -1/1 -1, ठीक है। चलिए तो यहाँ 1/x और बाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 1/y बाई में इधर कितना हो जाएगा माइनस का 8, -1/ ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ 2, ठीक है। चलिए तो अब देखो इसको आप पलटोगे तो 1/4x हो जाएगा, यहाँ -1/8y और यहाँ -1/2, अलग अलग कर देते हैं, 1/4x = -1/2 और -1/8y = क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, तो ये माइनस माइनस यहाँ काट देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 4x = -2 यानी x = आ जाएगा यहाँ से कितना, x = -2/4 कट जाएगा 1/2, -1/2 x आ गया, और यहाँ 8y = 2 यानी y = 2/8, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो x का 1 - 1/2, y का 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर में दिया है ax + by = a - b, और दूसरा है आपका bx - ay = a + b। चलिए यहाँ पे a1 आपका a हो जाएगा, b1 आपका b हो जाएगा, c1 आपका a - b हो जाएगा, a2 आपका b है, b2 आपका माइनस का a है, c2 आपका a+b है। चलिए x/y/ और यहाँ पे -1 लेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट इस तरफ है, bc यानी b1 c1 b2 c2, ca यानी c1 a1 c2 a2, AB यानी कि a1 b1 a2 b2। अब इनके वैल्यूज को यहाँ पर रख के सिंप्लीफाई करते हैं, तो x/y यहाँ b, यहाँ a - b, यहाँ माइनस का a और यहाँ a+b, y/y c1 a1 यानी a - b a + b b, ठीक है, -1/ab b - a, ठीक है। चलिए आपको देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x/y में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ab + b², ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का a² और प्लस का ab, ठीक है, y/y में यहाँ आएगा ab - b², और फिर -a² + ab, -1/y में -a² - b². चलिए अब इसके बाद देखिए x/y यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, ab + b² -± + a² और यहाँ क्या हो जाएगा आपका -ab, ये दोनों कट जाएगा, y/y में यहाँ पर ab - b² -a² और यहाँ -ab, यहाँ ab से ab यहाँ भी कट जाएगा -1, और y में माइनस कॉमन कर लेते हैं a² + b²
ठीक है, तो एक्स वाई में यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू वाई बाई में यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वन बाई वही बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो। अब यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, तो एक्स बाई में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में वन बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा और यहाँ पर वाई बाई में माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में वन बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा एक्स इक्वल टू वन और यहाँ से एक्स इक्वल टू में माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का वन, ये वाई इक्वल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू वन, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं सेवन नंबर, सेवन नंबर में यहाँ देखिए दिया है एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू में बी और दिया है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू में सी, तो यहाँ पे ए वन हो जाएगा आपका वन, बी वन हो जाएगा आपका ए, सी वन हो जाएगा आपका बी, ये ना हो जाएगा, और फिर इससे ए टू हो जाएगा आपका ए, बी टू हो जाएगा आपका माइनस का बी और सी टू हो जाएगा आपका सी। एक्स बाई वाई बाई और यहाँ माइनस वन क्योंकि कॉन्स्टेंट इस तरफ में है, चलिए यहाँ बी सी यानी बी वन सी वन, बी टू सी टू, सी ए यानी सी वन ए वन, सी टू ए टू, ए बी यानी ए वन बी वन, ए टू बी टू, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं एक्स बाई में ए बी माइनस बी सी, वाई बाई में बी वन सी ए, ये ना माइनस वन बाई में वन ए ए माइनस का बी, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ एक्स बाई में ए सी, ठीक है, और माइनस माइनस का बी स्क्वायर, वाई बाई में ए बी माइनस का सी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस वन बाई माइनस का बी और माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए एक्स बाई में ए सी प्लस बी स्क्वायर, वाई बाई में ए बी माइनस सी माइनस वन बाई में नीचे से आप माइनस कॉमन कर लो तो ए स्क्वायर प्लस बी बचेगा, माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, तो एक्स बाई में ए सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ वाई बाई में ए बी माइनस सी इक्वल टू में वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स इक्वल टू ए सी प्लस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस बी, और वाई इक्वल टू में यहाँ वाई है ना, वाई इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर ए बी माइनस सी बाई में ए स्क्वायर प्लस बी, तो भैया एक्स वाई का वैल्यू आ गया यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं एट, एट नंबर में यहाँ दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर, अच्छा और फिर बी एक्स प्लस का ए वाई इक्वल टू में बी स्क्वायर, तो यहाँ ए वन आपका हो गया ए, बी वन हो गया आपका बी, सी वन हो गया ए स्क्वायर, ए टू हो गया आपका बी, बी टू हो गया आपका यहाँ ए और सी टू हो गया यहाँ बी स्क्वायर, एक्स बाई में बी सी, ठीक है। चलिए वाई बाई में सी ए, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन बाई में ए बी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्स बाई में बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए वाई बाई में ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी, ठीक है। चलिए यहाँ पर माइनस वन बाई में ए बी बी ए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए एक्स बाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी का क्यूब माइनस का ए का क्यूब, वाई बाई में यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस वन बाई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, अलग अलग कर लो यहीं से, एक्स बाई में बी क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू में माइनस वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ वाई बाई में ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू में माइनस वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे अलग अलग करने। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये जाके उधर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स इक्वल टू में आ जाएगा, प्लस का ए क्यूब हो जाएगा और माइनस का बी क्यूब, और बाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, नीचे हम लोग इसमें कॉमन कर ले तो और बेहतर रहेगा, ठीक है, ए बी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस वन बाई, यहाँ पर हो जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, देख सकते हैं ना फॉर्मूला होगा तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, ए माइनस बी कट गया, यहाँ पे ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं, तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बाई में ए प्लस बी, और यहाँ से वाई इक्वल टू में रहेगा माइनस का ए बी बाई में ए प्लस बी, तो ये एक्स और वाई के वैल्यू आ गए, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।